Hello, dear students. In today's lecture, we will study about a very simple and short topic, which is sleeper density. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि स्लीपर्स के बारे में तो हम सब पढ़ चुके हैं, आपको भी पता है कि स्लीपर्स क्या होते हैं. स्लीपर्स मतलब जो आपके ट्रेन के ट्रैक के वो कंपोनेंट्स हैं जिसको कि हम रेल के नीचे रखते हैं, जो कि जो रेल्स को एक प्रॉपर सपोर्ट देता है, राइट. और लोड को पास करता है रेल से नीचे, जो उसके नीचे कुशंस की लेयर है, लास्ट कुशन है, उसमें पास करता है. तो नाउ स्लीपर्स तो आपको पता है कि क्या होते हैं ना, कि रेल्स में आपने देखे होंगे, सपोज ये हमारा रेलवे ट्रैक है सपोज, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हमारे स्लीपर जो हैं ये प्लेस होते हैं. इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, स्लीपर. आप सबने ट्रेन की पटरी में बेसिकली देखा होगा, तो ये हमारे स्लीपर हैं. बट नाउ व्हाट इज दिस स्लीपर डेंसिटी? तो स्लीपर डेंसिटी इज नथिंग बट सिंपल नंबर ऑफ स्लीपर्स पर यूनिट रेल लेंथ. नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ मतलब, आप जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट जो रेल होती है, रेल सेक्शन बेसिकली गेज हमारे तीन टाइप के होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, ठीक है. तो जो रेल होती है इन सारे गेजेस में, उसकी एक कंटिन्यूस तो रहेगी नहीं, होगी इनफाइनाइट लेंथ ही होगी, उसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगी, राइट. तो ब्रॉड गेज के केस में जो लेंथ होती है वो होती है करीबन आपकी दैट इज 12.8 मीटर, जिसको कि जनरली हम 13 मीटर के अराउंड लेते हैं, एक्यूरेट 12.8 मीटर रहता है. मीटर गेज और नैरो गेज में ये होती है आपकी 12 मीटर. तो स्टैंडर्ड जो रेल है, लेंथ है रेल की इन डिफरेंट गेजेस, ब्रॉड गेज और मीटर गेज आपको मोस्टली याद रखना है, तो इसमें 13 मीटर है, इसमें 12 मीटर है. तो एक रेल लेंथ में कितने आपके स्लीपर लगेंगे? सपोज ये एक पूरी एक रेल लेंथ है ना, सपोज ये ब्रॉड गेज है, तो ये पूरी 13 मीटर की रेल लेंथ होगी. तो इस पूरी 13 मीटर की रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स यूज होंगे, उसको हम कहते हैं स्लीपर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज स्लीपर डेंसिटी. तो दैट मीन्स अगर किसी भी रेलवे ट्रैक की सपोज फॉर एग्जाम्पल स्लीपर डेंसिटी है 15, तो 15 मतलब वन रेल लेंथ में आपके 15 स्लीपर्स यूज होंगे, ठीक है. तो ये मतलब होता है स्लीपर डेंसिटी का, मतलब एक रेल लेंथ में. अब एक रेल लेंथ मतलब जैसे अगर ब्रॉड गेज है तो उसमें एक रेल लेंथ होती है 13 मीटर अराउंड, तो 13 मीटर के स्पैन में पूरा 15 स्लीपर यूज हुए हैं. ऐसे अगर 16 है तो 13 मीटर के स्पैन में 16 स्लीपर यूज हुए हैं. तो बेसिकली इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो ये होता है कि पूरा जब आप एक रेलवे ट्रैक ले कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं उसको, फील्ड पे ले कर रहे हैं रेलवे ट्रैक को, तो कितने स्लीपर्स आपको ले करने होंगे वो हम स्लीपर डेंसिटी के थ्रू निकालते हैं. तो इंडिया में जो स्लीपर डेंसिटी डेजिग्नेट होती है वो होती है आपकी N+3 से लेके N+7 तक, राइट. तो यहाँ पे जो N होता है, N इज द लेंथ ऑफ रेल इन मीटर, लेंथ ऑफ रेल इन मीटर. तो ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द गेज. अगर आपका गिवन जो रेलवे ट्रैक का गेज है वो ब्रॉड गेज है, तो एन आपका 12.8 यानी 13 हम अप्रॉक्स लेते हैं, और अगर वो मीटर गेज या नैरो गेज है तो दैट वुड बी 12. और ये जो 3.7 है, ये जनरली आपको अगर पूछा जाए कि इंडिया में स्लीपर डेंसिटी किस वैल्यू में वेरी करती है, तो होती है N+3 से लेकर N+7. बेसिकली स्लीपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N+X, राइट. मतलब N+X में यहाँ पे एन है लेंथ ऑफ रेल हमने लग दिया, और एक्स कोई भी फैक्टर होता है, एक सिंपल फैक्टर जैसे कि यहाँ पे 3, 4, 5, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि रेल कैसी है, एक्सेल लोड कितना है, और वेरियस फैक्टर्स पे. तो बेसिकली स्लीपर डेंसिटी का फॉर्मूला N+X होता है, और जो इंडिया में इसकी नॉर्मली अडॉप्टेड वैल्यू है वो N+3 से लेके N+7 के बीच में है. नाउ एज आई टोल्ड यू दैट इट इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मेनी टोटल स्लीपर्स विल बी रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक. तो ये कैसे निकालते हैं, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते हैं कि पूरे एक रेलवे ट्रैक में कितने स्लीपर रिक्वायर्ड होंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सपोज फाइंड आउट, क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ railway track which is in a railway track which is 640 meters long. एक railway track है जिसकी length है 640 meter long, और sleeper density SD is given M+5. यहाँ पे बच्चों से M भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. समटाइम्स किसी बुक्स में N के फॉर्म में है, किसी बुक में M के, बट बेसिकली आप ये NM होता क्या है, मतलब लेंथ ऑफ रेल, राइट, इन मीटर्स. तो इट्स वेरी सिंपल, ये न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए. देखो हमको स्लीपर डेंसिटी जो गिवन है वो है M+5,
एम यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोलता एम होता है लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स। अब नाउ ये कौन सा है क्वेश्चन, वैसे मेंशन रहेगा इन अ रेलवे ट्रैक ब्रॉड गेज, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये मेंशन रहेगा, सपोज दिस इज ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज में लेंथ ऑफ रेल कितनी होती है, 12.8+5, राइट। तो हमने पढ़ा था ये कि 12.8 होती है, या 13 भी ले सकते हैं इसे आप, तो ये हो जाएगा आपका अराउंड कितना हो रहा है ये आपका 17.8, तो इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं 18, क्योंकि 17.8 नंबर ऑफ स्लीपर नहीं हो सकते, उसको 18 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 18 से मतलब है कि वो जो ट्रैक है उसके रेल एक पर रेल लेंथ कितनी होगी, पर 13 मीटर में 18 स्लीपर्स हैं, मतलब सपोज ये एक रेल लेंथ है 13 मीटर की, ठीक है, तो इसके अंदर 18 स्लीपर्स हैं ऐसी, क्योंकि ट्रैक 640 मीटर लॉन्ग है, तो आगे तो ट्रैक यहाँ तक एक्सटेंड होगा, लेकिन सपोज इनफाइनाइट मतलब 640 मीटर तक एक्सटेंडेड होगा, पर सपोज एक रेल लेंथ ही है। अब एक रेल लेंथ कितनी होती है ब्रॉड गेज में, हमने पढ़ा 12.8 मीटर, तो इस एक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स है, 18, तो स्लीपर डेंसिटी का मतलब बेसिकली ये होता है, बट वो पूछ रहा है आपको कि टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने होंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपकी सिंपल मैथ्स है, देखो आपको एक रेल लेंथ में कितने पता है, 18 स्लीपर्स हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रेल्स निकालना है, कितने रेल्स वहाँ पे यूज हो रहे हैं इस ट्रैक में, तो वेरी सिंपल, 640 मीटर का पूरा टोटल ट्रैक है, और एक रेल लेंथ की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 12.8, है ना, ब्रॉड गेज में जो एक रेल लेंथ की लेंथ है वो 12.8 है, और टोटल 640 मीटर का ट्रैक है, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि टोटल कितनी रेल्स उसमें यूज हो रही हैं, तो दिस इज कमिंग इक्वल टू 50, इसका मतलब 50 रेल को हमने ज्वाइन करा है उस रेलवे ट्रैक को बनाने में, और एक रेल के अंदर कितने स्लीपर्स हैं, 18, जो कि हमने कैलकुलेट किया, तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने हो जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल, अगेन सिंपल मैथ्स, आपके टोटल नंबर ऑफ स्लीपर हो जाएंगे 50 रेल्स हैं और एक रेल के अंदर 18 स्लीपर है, तो दैट वुड बी 50 × 18, दैट वुड बी 900 स्लीपर्स। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल इसका न्यूमेरिकल है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, स्लीपर डेंसिटी कुछ नहीं होता, ये होता है कि एक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स हम यूज कर रहे हैं, राइट। अब एक रेल लेंथ ब्रॉड गेज के केस में होती है 12 मीटर, और सॉरी 13 मीटर या 12.8 मीटर टू बी वेरी मोर एक्यूरेट, और ब्रॉड गेज मीटर गेज और नैरो गेज में होती है 12 मीटर, और स्लीपर डेंसिटी को हम n+x या फिर m+x के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जहाँ पे ये m या n क्या है, लेंथ ऑफ रेल इन मीटर, और x क्या है, कोई भी नंबर है जो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंडिया में जनरली स्लीपर डेंसिटी की वैल्यू n+3 से लेके n+7 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल एक बार समझा देती हूँ, तो न्यूमेरिकल अगेन आपको पूछा जाएगा कि सपोज एक रेलवे ट्रैक है जिसकी लेंथ 640 मीटर टोटल है, और उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्लीपर यूज हो रहे हैं, अगर वो ब्रॉड गेज में है और स्लीपर डेंसिटी m+5 है, तो सबसे पहले तो आप स्लीपर डेंसिटी, जो कि मैंने बताया कि एक रेल लेंथ के अंदर कितने स्लीपर्स हैं, वो निकालेंगे, तो m+5, यहाँ पे m होता है लेंथ ऑफ रेल इन मीटर, ब्रॉड गेज गिवन है इसलिए एल हम रखेंगे, एम रखेंगे 12.8, तो 12.8+5 किया, दैट इज कमिंग एज 17.8, तो इसको जनरली 18 के को ले लिया, इसका मतलब एक रेल लेंथ के अंदर हमारे 18 स्लीपर्स यूज हुए हैं, लेकिन टोटल जो रेलवे ट्रैक है तो 640 मीटर का है, और एक रेल लेंथ सिर्फ कितने मीटर की होती है, 12.8 मीटर की, तो इसलिए जब हमें टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे कि कितनी रेल्स वहां पे यूज हो रही हैं, तो सिंपल, वेरी सिंपल मैथ, टोटल जो ट्रैक की लेंथ है डिवाइड बाय एक रेल की जितनी लेंथ है उससे टोटल नंबर ऑफ रेल्स निकल जाएंगे, विच इज कमिंग एज 50, देन क्योंकि हमें पता है कि एक रेल लेंथ में 18 स्लीपर है, तो 50 रेल्स में कितना होगा, 15 × 18, दैट इज 900 स्लीपर। सो दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक, स्लीपर डेंसिटी, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, इफ देर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी, थैंक यू।